ऐसा मुझे लग रहा है मैं वापस बिग बॉस के घर आ गया हूँ. इतने कैमराज हैं यहाँ पर एंड द इंटायर इंडस्ट्रीज है. इट्स सो ब्यूटिफुल टू जस्ट सी. देयर सो मच ऑफ ग्लैमर, देयर सो मच ऑफ हैप्पीनेस, सो मेनी स्माइल्स. और बहुत मजा आ रहा है मेरे को देख के सब लोगों को यहाँ पर, बिकॉज ऐसे चेहरे देखे नहीं ना. घर में लॉक था, उसके बाद अपने घर चला गया, उसके बाद ऐसे पहली बार बाहर निकला हूँ. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को देखकर. एक्चुअली एब्सोल्युटली, बट अभी क्या है ना कि अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो इट मेक्स सो मच मोर सेंस दैट यू नो यू डूइंग समथिंग एंड आप आते हो और फिर आप वापस उन चेहरों को देखते हो जिनको आप यूजली हर पार्टीज में मिलते हो. तो अभी आप देखता हूँ, आई फील हैप्पी. इट्स लाइक दीज आर मेमोरेबल चेहरा एंड इट्स नाइस सर. इट्स लाइक आपके ही फैमिली मेंबर्स हैं जो आप हर पार्टी में मिलते हैं. स्माइल एट देम एंड स्माइल बैक एट यू एंड दे से हाउ आर यू डूइंग. इट्स लाइक दैट. It is overwhelming. Matlab, I don't know. The kids are loving me. The dadis are loving me. Mummies are loving me. Dadis are saying, अरे कितना अच्छा लड़का है. सो मुझे नहीं मानता मैं इतना अच्छा हूँ भी. जितना कि लोग मुझे बोल रहे हैं मेरे अंदर बहुत खामियाँ भी हैं. बट आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस. कल पार्टी में तो नहीं हुई. कौन सी पार्टी में? हाँ नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं गया था. मैं अवॉइड कर रहा था पार्टीज. इस पार्टी में भी लाने के लिए का जो जिम्मा है वो करण कुंद्रा और अनुषा का है जो मुझे यहाँ ट्रैक करके लेकर आए हैं. बट आई एम ग्लैड आई केम बिकॉज़ दैट्स सच ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं. ब्यूटीफुल पिक्चर्स बाहर आने के बाद जितना नहीं यहाँ पर मुझे इतना मालूम है कि शिल्पा जी ने अपैरेंटली बोला these are the people जो मुझे ड्रैग करके लेकर आए हैं यहाँ पर. बहुत बहुत ज्यादा मुझे तो आजकल वेटर लोग मतलब खाना खाने के लिए नहीं पूछे, इसको देख के स्टार्स्ट्रक हो रहे हैं. सर आप मेरे आजकल सुन रहे हैं, मेरी स्टार्टअप फिल्म कर रहा हूँ. एंड गाइस थैंक यू फॉर आई डिड नॉट थैंक यू. यस अपेरेंटली करण कुंद्रा की फिल्म ने आई एम सॉरी बट सैफ अली की फिल्म को हरा दिया. आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड. 1921 जिसने भी देखी नहीं है अभी तक प्लीज जाए और देखे 1921. प्लीज द कलेक्शन शुड गो इवन मोर हायर. आई एम रियली टेलिंग यू इट्स माय बेस्ट फ्रेंड सर. या कंटिन्यू कंटिन्यू आई एम प्लेटेड लाइक दैट. आई डोंट केयर. आई थिंक कहीं शिल्पा जी ने बोला है कि सलमान सर ने क्लियर किया है मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था जो भी प्रॉब्लम हुई थी. आई एम ग्लैड शो के एंड तक उनको रियलाइज हो गया ये बात. बट आई पर्सनली थिंक दैट कहीं उन्होंने अच्छी चीज़ें बोली हैं, कहीं पर क्या बोला है मुझे मालूम नहीं है. क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बी अवे फ्रॉम जो भी ये बातचीतें हुई हैं बिकॉज आई थिंक बिग बॉस खत्म हो गए. हम घर आ गए. यस यस बिकॉज शी हैज प्रॉमिस्ड. आई थिंक उनको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो वेब सीरीज बहुत अच्छी होगी या वो शो बहुत अच्छा होगा. प्रॉमिसेस कैन नॉट बी फोर्स्ड फॉर पीपल. जब तक आपको पसंद ना आए शिल्पा जी तब तक हाँ मत बोलिएगा. वॉट एवर जब आपको पसंद आए तब बोलिएगा. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.